नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है और हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर हिंदी है तो हम हैं, हिंदी हमारा मान है, सम्मान है और हमारी संस्कृति भी है। और दोस्तों, अगर हम देखें कि हम कोई भी कहीं भी चले जाएं, कोई भी भाषा बोल लें, लेकिन वो जो भावनाएं होती हैं, जो भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो हमारी भाषा से जुड़ी होती हैं। अगर हम रोते हैं या किसी से कोई ऐसी बात कहते हैं जो हमारे दिल से निकलती है, तो हमारी हिंदी भाषा में ही वो चीजें हम बोलते हैं। लेकिन दिखाने के लिए तो हम इंग्लिश में और बहुत सारी लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारी भावना की बात आती है, हमारी मातृभाषा की बात आती है, तो हम हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। तो हिंदी हमारा सब कुछ है, हिंदी है तो हम सब हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए, अगर आपको जानना है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये चीज जानना चाहिए सभी हिंदी सब्जेक्ट से पढ़ने वाले तो जाने ही, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट से भी हैं उनको जानना चाहिए कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। और यहाँ से ये मत सोचना कि सिर्फ ये जानकारी है, जानकारी तो है ही, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो हिंदी दिवस अगर देखा जाए क्यों मनाया जाता है और कब से, तो एक डेट है जो कि आज है, 14 सितंबर। क्या है? 14 सितंबर 1949। क्या है? 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, उसको संविधान में स्थान मिला, उसको राजभाषा बना दिया गया। क्या है? ये क्या हुआ? राजभाषा बन गई हिंदी हमारी। क्या है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बन गई। और उसी दिन से नहीं मनाने लगा ये, 1953 से, कब से? ये 4 साल के बाद 1953 से जाके हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ। कब से? 1953 से हिंदी दिवस मनाना शुरू हो गया। और हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में भी बोली जाती है, चाहे फिजी हो, चाहे मॉरिशस हो या कुवैत वगैरह, बहुत सारी जगह पे बोली जाती है। और मॉरिशस में तो हिंदी जो है बहुत ज्यादा बोली जाती है, और वहाँ की जो भाषा है, जो वहाँ की राजभाषा है, क्या है? वो हिंदी, वो भोजपुरी है। क्या है? भोजपुरी है, इस चीज को याद रखना। और दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि हिंदी जो संविधान में भाषाएं थी मूल रूप से कितनी थी, तो 14 भाषाएं। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में, इसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में तो 14 ही भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 21वां संविधान, संविधान संशोधन होता है, और कौन सी जोड़ी जाती है? सिंधी जोड़ी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, तो कौन सी जोड़ी जा रही है? सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। उसके बाद फिर संशोधन होता है, कब होता है? 1900 कौन सा संशोधन होता है? 71वां। कौन सा होता है? एक मिनट, 71वां संशोधन होता है, हाँ। इसके बाद 71वां संशोधन होता है, वो कब होता है? 1992 ईस्वी में होता है। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी जाती हैं? जिसको हम नमक क्रिक से याद करते हैं। क्या करते हैं? नमक क्रिक से याद करते हैं। ना से हो गया नेपाली। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 22 भाषाएं हैं संविधान में, उसमें कौन सी विदेशी एक भाषा है? तो यही नेपाली सिर्फ एक विदेशी भाषा है, बाकी सब क्या है? उर्दू है, तमिल है, ये सारी है, लेकिन एक विदेशी भाषा नेपाली है। और माँ से क्या हो जाता है? मणिपुरी। क्या हो जाता है? मणिपुरी। और का से हो जाता है कोंकणी। क्या है? कोंकणी। फिर संविधान संशोधन एक होता है, 92वां संविधान संशोधन। कब हो रहा है? 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। कितनी? 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन है? बोडो,
मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। एकदम से आप लोग इसको रट्टा मान लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है। बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और नमक जो जुड़ता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में, नमक है नेपाली मणिपुरी और पोकड़ी है। फिर जो है 21वां संविधान संशोधन 67 में सिंधी जोड़ी जाती है। इस तरह से कितनी भाषाएं हो जाती हैं संविधान में, 22 भाषाएं हो जाती हैं संविधान में, 22 भाषाएं हो जाती हैं। और एक चीज पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में जो राजभाषा है जो हिंदी है वो किस अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका वर्णन मिलता है। 343 से लेकर 51 तक आप लोगों को एकदम रटा होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। इसकी भी हम वीडियो आप लोगों को दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह से हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे ट्रिक से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।